Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. एक बार फिर से एक नया सेशन आपके लिए लेके आया हूँ. आप फिर से हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट. आपके मॉक टेस्ट बैक टू बैक आपको मिल रहे हैं और आप अपने परफॉर्मेंस देख पा रहे होंगे. और आज की क्लास में फिर से हम एक मॉक टेस्ट करेंगे स्टार्ट. आप फटाफट से अपने आंसर दीजिए कि क्या आंसर हो सकता है. आप थोड़ा सा समय लेके 5-10 सेकेंड का टाइम लीजिए और अपने आंसर्स को बनाइए कि क्या हो सकता है. तो पहला क्वेश्चन यही है हमारे सामने कि कुछ पार्ट को अंडरलाइन किया गया है. अंडरलाइंड जो पार्ट है उसका इंप्रूवमेंट बताना है नीचे दिए गए ऑप्शंस में. तो इसमें लिखा हुआ है कि द सोल्जर्स हैड नो चॉइस टू रिपोर्ट द लॉस टू देयर कमांडर. ठीक है, अब यहां लिखा जो है नो चॉइस टू रिपोर्ट. क्या इसको नो चॉइस हम क्या लिखेंगे वो आप सोचोगे, अपने आंसर्स को मार्क करोगे. कॉपी पेन आई होप आपने ले लिया होगा. आप कॉपी पेन लेके रखो और अपने आंसर्स जिस तरह से आप क्लासेस में देते थे कि 1 से लेके 25 तक की काउंटिंग लिखी, अब आपने बताया कि आपका आंसर ए बी सी डी जो भी आपका आंसर बनता है. ठीक है, नो चॉइस एस टू लिखा हुआ है. क्या ये हो सकता है, ये नो चॉइस हाउ टू हो सकता है, या कोई इसका सब्स्टिट्यूशन बनता ही नहीं है, यानी पहले से ही सही लिखा हुआ है. कभी कभी यहां लिखा होगा नो इंप्रूवमेंट, यानी जरूरत नहीं है इंप्रूव करने की, या फिर नो चॉइस बट टू. देखो यहां पे ना बट का मीनिंग देखो ध्यान से, बट का मीनिंग ना एक्सेप्ट की तरह होता है. जैसे आप एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़ करके, के अलावा. ठीक है, तो जैसे एक्सेप्ट लिखते हो वैसे ही बट भी लिखा जा सकता है. तो आप सोचो कि द सोल्जर हैड नो चॉइस टू रिपोर्ट, तो लिखा है द सोल्जर हैड नो चॉइस बट टू रिपोर्ट द लॉस ऑफ देयर कमांडर. तो इसका आंसर क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा डी आंसर इसका सही माना जाएगा बिल्कुल. ठीक है, और कोई ऑप्शन बनता नहीं है. आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा नो चॉइस बट टू रिपोर्ट द लॉस टू देयर कमांडर. ये इसका सही आंसर होना चाहिए. क्लियर, आगे देखो द गेम कॉन्टिन्यूड. अब आपको इसका कॉन्टिन्यू का एंटोनिम बताना है. एंटोनिम से समझते हो ना, उल्टा मीनिंग बताना है आपको. इनमें से उल्टा मीनिंग बताना है कि क्या हो सकता है. आप कॉन्टिन्यू का मतलब लगातार जारी रखने की सेंस में करते हो, ऑन गोइंग हो गया, प्लेड हो गया. ठीक है, और आपने लिखा है डिसरिगार्डेड हो गया, और एक लिखा है स्टॉप. देखो कंटिन्यू का मतलब शुरू करना और स्टॉप का मतलब रोकना है ना, तो एंटोनिम मिल गया ना हमें. इसका आंसर क्या होगा, सी शुड बी द राइट आंसर. क्या होना चाहिए आपका आंसर, सी, क्योंकि कंटिन्यू का ऑपोजिट मीनिंग जो मिलता है वो क्या होता है, स्टॉप्ड होता है. ठीक है जी, आगे देखते हैं. अब एक आपके सामने रखा गया है इडियम, ऑन द बॉल. ऑन द बॉल लिखा हुआ है, ऑन द बॉल. आपने देखा होगा क्रिकेट में जैसे ही क्रिकेट मैच स्टार्ट होता है और बॉलर जो है वो बॉल फेंकता है ना, तो सभी फील्डर्स पूरे अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि कैच तो किसी के पास भी आ सकता है. तो आप याद रखो ऑन द बॉल की, बॉल जब भी क्रिकेट मैच में फेंकी जाती है सभी खिलाड़ी क्या हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं. अलर्ट, तो इसका मीनिंग क्या होगा, टू बी अलर्ट. इसका मीनिंग हो गया अवेयर, टू बी अलर्ट. ये इसका सही एग्जैक्ट मीनिंग बनता है. ठीक है, इडियम है ऑन द बॉल, तो बॉल का मतलब बॉल तो नहीं होगा ना. आपने लिखा इसका मीनिंग टू बी अलर्ट. याद कैसे रखा जा सकता है इसको, कि जब क्रिकेट मैच में बॉल फेंकी जाती है तो सभी के सभी प्लेयर्स क्या हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं. इससे हमारा बना मीनिंग टू बी अलर्ट. ठीक है जी, आगे देखो, आगे फिर से ट्राई करते हैं. क्वेश्चन आपके सामने मिला है, ग्रेट पीपल आर ऑलवेज रेडी टू डैश रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, जो ग्रेट पीपल होते हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए. कौन से वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, किंडल के लिए, सिक्योर के लिए, सोल्डर्स के लिए, और बर्डन के लिए. तो बर्डन नहीं जी, सोल्डर्स होना चाहिए. इसका आंसर क्या होगा, अपने कंधों पर वो जिम्मेवारियां रखने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, तो सोल्डर यहां पर सही आंसर आपका होना चाहिए. ठीक है, आप आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट देखते हैं. अब नेक्स्ट को ध्यान से पढ़ो, क्या पूछा गया है आपका, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इमोरल फ्रॉम द गिवन सेंटेंस. आप इस सेंटेंस को चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन मुझे तो ये दिख रहा है इमोरल और मोरल और इमोरल, तो आप समझते होंगे ना. मोरल का मतलब जब हम कोई नैतिक काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, बेहतरीन काम करते हैं,
शांतिपूर्वक काम करते हैं। तो मोरल होता है, इमोरल का मतलब होता है अनैतिक है, ठीक है, अच्छा काम नहीं किया है, बुरा काम किया है, अनैतिक बोलते हैं उसको। तो अनैतिक का हमें क्या बताना है, एंटोनिम। तो एंटोनिम मींस उल्टा मीनिंग बताना है। तो मुझे पता है कि जो ये इमोरल लिखा है मुझे इसका चाहिए अपोजिट, यानी मोरल का मीनिंग क्या हो सकता है, पूछना चाहते हैं मोरल इसमें से किसको बोलोगे। तो देखो ना, मोरल इसमें से इलनेस को बोलोगे, रीजन को बोलोगे, बिल्कुल भी नहीं बनता है। डिग्री बनता है, जी नहीं डिग्री बनता है, तो आंसर एक ही रहता है डिसेंट। डिसेंट को बोलते ही हम डिसेंट को अच्छा ही बोलते हैं, डिसेंट को क्या बोला जाता है अच्छा, तो इसका मतलब इसका मीनिंग बनता है डिसेंट। आप चाहो तो सेंटेंस पढ़ सकते हो, सेंटेंस में भी यही वर्ड गिवन है। तो आप देखो डिसेंट हेल्थ, यानी यहां पे इसका एग्जैक्ट जो आप एंटोनिम देखोगे वो क्या बनेगा, डिसेंट। डिसेंट मॉरल चाहिए था हमें मीनिंग, क्योंकि इमोरल का अगर मैं उल्टा देखूं तो मॉरल, और मॉरल को मैं डिसेंट भी तो बोल सकता हूं, बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, आगे अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को, तो आपको बताना क्या है, रेक्टिफाइड द स्पेलिंग, मतलब अशुद्ध को शुद्ध करना है, ठीक है। तो आपके सामने आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द स्पेलिंग, यानी जो अशुद्ध स्पेलिंग लिखी होगी नीचे उसको शुद्ध करना है, उसको रेक्टिफाई करना है। इफ देयर इज नो एरर इन स्पेलिंग सिलेक्ट नो एरर, हाँ ये भी हो सकता है स्पेलिंग ठीक लिखी हो। तो आपका सेंटेंस पूरा इस तरह से लिखा हुआ है और आपको लिखना है, सेंटेंस है द एजुकेशन मिनिस्टर बिलीव्स दैट द आफ्टर द reopening of the schools it will take some time to regain the equilibrium, ठीक है, क्या लिखा है देखो, equilibrium। तो कुछ इस तरह का सेंस बनता है इसका, equilibrium। तो equilibrium अगर आपने पढ़ा हो साइंस में यह वर्ड होता है संतुलन, संतुलन। तो मीन भी बनाना, regain the equilibrium यानी संतुलन बनाने में थोड़ा समय लगेगा, it will take some time to regain the equilibrium, मतलब equilibrium का मतलब क्या बना, संतुलन। तो आपको बताना है equilibrium इसमें से सही spelling कौन सी है, क्योंकि ये तो गलत ही है, इसको rectify करना है, अशुद्ध को शुद्ध करना है। तो आप देखो इसमें से सही क्या हो सकता है, तो बीरियम में आप देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे, ये गलत है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। और इसको देखा जाए तो ये भी गलत है, नो एरर ये भी स्पेलिंग गलत है, क्योंकि एक्चुअली में होना क्या चाहिए, इस ई को लिखना ही नहीं चाहिए। अब आई आ गया है तो ई का क्या काम, इक्विलिबीरियम, इक्विलिबीरियम। तो आप जो नीचे देखोगे ना, इसमें देखो इक्वली भी लिखा हुआ है और बीरियम भी लिखा हुआ है, इसका मतलब डी स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है, ठीक है ना। इसमें देखो आई लिखा था, इसमें ई लिखा था, इसलिए गलत हो गया, इसमें आगे ही गलती कर दी गई। तो आपको स्पेलिंग जो इक्विलिबीरियम, जो संतुलन जिसका मीनिंग होता है, आप उसकी स्पेलिंग इसी तरह से देखते हैं, उसमें ई नहीं आता है, आई आता है, L के बाद I आना चाहिए, E नहीं आना चाहिए, तो L के बाद E नहीं I होना चाहिए, तो ये स्पेलिंग बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, ठीक है ना। आप आगे देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सिलेक्ट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का यूज बताना है आपको। तो प्रीपोजिशन का यूज का मतलब, यहां प्रीपोजिशंस लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है बाय मींस ऑफ, एक लिखा है अलोंग विद मींस ऑफ, एक लिखा है इन मींस ऑफ, और एक लिखा है ऑफ मींस ऑफ। तो आपको सिर्फ बताना है कि इसमें से जो सुटेबल, जो एप्रोप्रिएट स्पेलिंग लिखी हुई है प्रेपोजिशन की, वो कौन सी है। तो देखो ना, अलोंग विद मींस ऑफ प्रेपोजिशन नहीं होता, इन मींस ऑफ भी नहीं होता है, ऑफ मींस ऑफ भी नहीं होता है। जो स्पेलिंग जो बनती है वो क्या बनती है, बाय मींस ऑफ, के द्वारा, बाय मींस ऑफ के द्वारा, यानी ये हमारी प्रेपोजिशन। कौन सी प्रेपोजिशन है, ये कंपाउंड प्रेपोजिशन है। कंपाउंड क्या होता है, एक से ज्यादा वर्डों से मिलकर बना प्रेपोजिशन क्या होता है, कंपाउंड प्रेपोजिशन होता है। और कुछ कंपाउंड प्रेपोजिशन होते हैं, उनमें से एक होता है बाय मींस ऑफ, अलोंग विद नहीं होता मींस ऑफ के साथ, इन मींस ऑफ नहीं होता है, ऑफ मींस ऑफ नहीं होता है, बाय मींस ऑफ होता है। ये कंपाउंड प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा सही स्पेलिंग माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ओके, इस बार क्वेश्चन आपके सामने आया है पैराजंबल का, ठीक है। तो सेंटेंस, सेंटेंसेस ऑफ द पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर, कैसे ऑर्डर में लिए हुए हैं, जंबल ऑर्डर में, यानी उल्टे फुलटे लिखे हुए हैं, आपको सीधे क्रम में लिखवाना है। और ऐसे क्वेश्चंस को हम पैराजंबल, PQRS और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, आप बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। थोड़ा टाइम लीजिए, बनाइए इसको।
पहले जो आपको हिंट बताए गए थे उन्हीं की मदद लीजिए, पहले क्या लिखा है बाद में क्या लिखा है वो देखते चले जाइए। यहाँ पे देखो लिखा है सच प्रॉब्लम्स, तो बताना पड़ेगा कैसी प्रॉब्लम्स, पहले नहीं हो सकता। दिस इज बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज, इससे भी नहीं, क्योंकि दिस बोल दिया तो पहले बताओ किसके बारे में बात कर रहे हो। द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, मोस्ट लिखा है ना, तो मतलब मोस्ट कब यूज करते हैं, जब सबसे ज्यादा दिखाना हो। अच्छा, तो बहुत सारी चीजें होंगी तो उनमें से कोई एक दिखाने के लिए मोस्ट लगाते हैं। द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज पॉपुलेशन प्रेशर। आगे लिखा है द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन देने वाली लाइन है वो ये है, यानी एक बात तो फिक्स हो गई कि पहली लाइन जो है वो क्या बनने वाली है, डी। तो डी कहां कहां दिख रहा है, बी में दिख रहा होगा आपको और सी में दिख रहा होगा, ये आपके दोनों आंसर बन सकते हैं, बाकी नहीं बनेंगे आंसर, ठीक है। अब आप जब भी ऐसा देखोगे तो मैंने क्या बोला था, क्या पता हो सकता है एक ही जगह पे डी मिलता है, लेकिन अब तो दो जगह पे मिला है ना, तो राइटर अब आपसे चाहता है कि दूसरी लाइन को भी मैच करो। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम कोई दूसरी लाइन का पेयर बनाने की कोशिश करेंगे जो आपस में मैच हो जाए, ठीक है, जो आपस में मैच हो जाए। देखते हैं कौन सी लाइन बन सकती है जो मैच करती है हमारे लिए। देखो अगर यहां मैं पढ़ता हूं ना सी को, द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज, ठीक है, और अगर मुझे लगता है यहां पढ़ता हूं सच प्रॉब्लम इंक्लूड डिफिकल्टी, देखो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं यहां पे, कितनी सारी प्रॉब्लम्स लिखी हुई है, और यहां पे लिखी है दिस इज बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज फेस प्रॉब्लम रिलेटेड टू दियर पॉपुलेशन, ठीक है। तो देखो पहले सारी प्रॉब्लम्स के नाम लिखोगे, ठीक है, ये सारे कुछ इश्यूज बताए गए हैं कि पहले मोस्ट लिखोगे, पहले नाम लिखोगे फिर उनमें से मोस्ट आएगी, उनमें से फिर मोस्ट आएगी, तो इससे पता चलता है कि ए के बाद हमें सी लिखना चाहिए। ए के पहले कुछ नाम लिखेंगे फिर उसमें से ज्यादा क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, प्रेशर है, तो आप इसीलिए क्या लिखेंगे, पहले ए आएगा फिर सी आएगा। तो देखते हैं कहां लिखा है ए सी, तो ये देखो ना ए सी इसमें लिखा हुआ है, इसमें सी ए लिखा हुआ है, तो आंसर ए सी होना चाहिए, आंसर मिल गया, हमारा आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी आंसर हो जाएगा। तो हमारा पहला बी मिला और फिर एसी, एसी का ग्रुप कहां से मिला, पहले हमें ए लिखना चाहिए फिर सी लिखना चाहिए, पहले प्रॉब्लम्स के नाम आएंगे फिर उसमें से मोस्ट को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इस तरह से आंसर बनना चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे बना है, कि पहले डी बनाया फिर उसमें से कोई चूज करा आपने कि और क्या हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, अब आपके सामने क्वेश्चन आया है इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर, आपको बताना है इसका सही सुटेबल आंसर क्या बनेगा। वाई से स्टार्ट किया है, डब्ल्यू एच फैमिली से, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट बनाना है। इनडायरेक्ट बनाते समय वाई का तो वाई रहेगा, ये आप जान चुके हो, पहले से ही जानते हो ये बात, वाई का वाई रहेगा, इंक्वायर्ड का इंक्वायर्ड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे अब रूल से बात बन जाएगी, यहां लिखा है डिड नॉट और डिड पास्ट होता है तो आंसर चाहिए मोर पास्ट, क्या होता है मोर पास्ट, हैड होता है, हैज होता है, हैड, तो आपका आंसर ए भी हो सकता है, आपका आंसर सी भी हो सकता है, और आपका आंसर देखो डी भी हो सकता है, याद रखना। अब देखो एक में आंसर नहीं मिला, यानी रूल लगाने के बाद एक में आंसर नहीं मिला, तो दोबारा से कुछ और ऑप्शन देखते हैं अब क्या हो सकता है, क्योंकि वहां से तो हेल्प नहीं मिली हमें, बस एक ऑप्शन हमारा डिलीट कर दिया हमने जो ये नहीं हो सकता था, ठीक है ना, हैस तो होगा नहीं। अब आगे पढ़ते हैं कि और क्या हो सकता है। अब देखो यहां हेड के बाद फॉरवर्डेड लिखा हुआ है, यहां पर भी हेड के बाद फॉरवर्डेड लिखा हुआ है, यहां फॉरवर्ड लिखा हुआ है, तो हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है ना, सेक फर्स्ट नहीं आती, तो ये ऑप्शन गया काम से। अब बचे ए और सी, ए और सी में से आंसर चूज करना है। हमें पता है कि सेंटेंस अफर्मेटिव बनना चाहिए जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा कि पहले हेल्पिंग वर्ब, पहले सब्जेक्ट आएगा ना, तो पहले ही आएगा फिर हेड आएगा, इसका मतलब आंसर मिल गया हमें ए, ए आंसर है। ये क्यों नहीं बना आंसर, क्योंकि हेड ही नहीं लिख सकते ना आप, क्योंकि हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाता है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में ये गलत माना जाएगा, हेड नहीं आएगा, तो आपका ए आंसर बन जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से निकालते हैं। देखो अभी कितना सोचना पड़ा हमें, तीन स्टेप में, कभी कभी राइटर एक ही स्टेप में आंसर दे देता है, कभी दो स्टेप में, कभी तीन स्टेप में, तो जो बातें आपको बेसिक सिखाई गई थी वो आप यूज करोगे तो क्वेश्चन गलत होने का कोई मतलब तो बनता ही नहीं है। यहां पे पहले हमने देखा कि डिड है तो हैड आना चाहिए, तो हैज को हटा दिया, फिर मैंने देखा कि हैड के बाद थर्ड फॉर्म आना कंपल्सरी है, तो यहां सेकेंड फॉर्म नहीं लिखा हुआ, फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, तो गलत हो गया। फिर इन दोनों में से देखा
ए और सी में से कि क्वेश्चन किस में बना हुआ है, तो क्वेश्चन इसमें, पर क्वेश्चन का क्वेश्चन नहीं अफर्मेटिव होता है, इसीलिए आंसर ए बनाया मैंने। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। फिर से एक क्वेश्चन आया पैराजंबल का, अरेंज करने हैं ऑर्डर्स को, ध्यान से पढ़ते हैं क्या लिखा है। अच्छा इस बार क्या है ना, इस बार एक लाइन पहले से दी गई है, फिक्स है ये, यानी इसके बाद से ही स्टार्ट करना है जो भी स्टार्ट करना है आपको। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक, तो इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक, अब क्या हो सकता है लाइक, लाइक वर्ब आ चुकी है, ऑब्जेक्ट चाहिए, किसके बारे में बताया गया है, इलेक्ट्रोलाइक, इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्या, लाइक क्या, किसके जैसा, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम, ये सब नाम लिखे हैं, तो मतलब ऐसा आना चाहिए पहली लाइन में, पहली लाइन में ऐसा आएगा, कंफर्म हो गया। तो कहां कहां ऐसा है, देखो कितना टफ क्वेश्चन है, एस डी में भी है, एस सी में भी है, एस बी में भी है, मतलब ये आंसर नहीं है हमारा, ये आंसर नहीं बनता। अब हमें फिर से दोबारा ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से तो बात हेल्प नहीं मिली हमें। ओके, अब तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, तो हमें क्या करना है, अब फिर से ट्राई करना होगा। अब देखो इनमें दोनों में आर लगा है, तो इतने सारे नाम है तो डेफिनेटली ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो आर से स्टार्ट करोगे या क्यू से, आर और क्यू से स्टार्ट करोगे, या तो आर से स्टार्ट करोगे या क्यू से, मतलब ये वाला लाइन भी हमारा आंसर नहीं बन सकता, क्योंकि आप समझ पा रहे हो ना कि इतने सारे नाम है तो आर आएगा ना आगे, आर आएगा, तो आर आने की वजह से अब इन दोनों का ऑर्डर सही करना है हमें। तो पहले सोचो ना क्या लिखा है, मैग्नीशियम आर इलेक्ट्रिकली चेंज्ड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट, तो इसका मतलब यही ऑर्डर बन गया ना कि एस के बाद आर आना चाहिए, फिर क्यू आना चाहिए, फिर पी आना चाहिए। तो देखो ना ऑप्शन कहां में लिखा है, एस के बाद आर कहां है, एस के बाद आर, फिर क्यू, फिर पी, बिल्कुल सही है, यही आंसर बन जाएगा आपका, यही आंसर बनेगा। थोड़ा टफ था क्वेश्चन, सोचना पड़ा, लेकिन इसी तरह से इसका आंसर बनाया जाएगा कि इसको देखो कि इसको इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम पोटेशियम ये लिखा, इतने सारे नाम थे तो आर आना जरूरी था, आर के बाद फिर डेट के बाद फिर से आर आना जरूरी था, तो इसलिए बन गया आर क्यू और पी, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से बनाना था आंसर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो अब इसमें लिखा है कि टुडे माय डैड विल टीच मी हाउ टू मेक अ स्मॉल शेल्टर फॉर माय डॉग। अब देखो स्मॉल शेल्टर फॉर माय डॉग, ठीक है, इसमें बताना क्या है, अंडरलाइन पार्ट का आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स बताना है क्या हो सकता है। तो आप नीचे ऑप्शन देखोगे ना, आपको देखो डॉग के लिए शेल्टर की जगह, मतलब उसका घर, तो डॉग का घर क्या होता है, कैनल होता है, तो कैनल तो यहां पर भी लिखा है और ये कैनाल है, ये कैनल है, ये कैनाल है, दोनों को पढ़ने में ऑलमोस्ट सेम ही लगता है, लेकिन जो डॉग का घर होता है ना, जहां डॉग रहता है, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, हमेशा कैनल बनाते हैं, कैनल, तो इसका मतलब कैनल की स्पेलिंग में के ई डबल एन ई एल होता है, कैनाल तो नहर को बोलते हैं ना, इसका मतलब हुआ कि आंसर जो है वो डॉग के घर को क्या बोला जाता है, कैनाल, सॉरी कैनल, कैनल। तो स्मॉल शेल्टर फॉर माय डॉग, तो ये डॉग के पूरा अंडरलाइन है ये भी डॉग, कि डॉग के लिए शेल्टर जो छोटा सा घर बनता है उसको क्या बोलते हैं, कैनल, तो आंसर क्या होना चाहिए, कैनल होना चाहिए। ठीक है जी, आगे देखो, आगे देखो एंटोनिम पूछा है आपसे, सिनोनिम नहीं है ये ध्यान रखना, एंटोनिम है, उल्टा मतलब बताना है आपको, उल्टा मीनिंग बताना है। तो यहां पे देखो लिखा है हार्मनी, आर साइलेंट हो जाता है इसका, हार्मनी बोलते हैं इसको, हार्मनी बोल देते हैं, हार्मनी, हार्मनी बोलेंगे इसको, हार्मनी, हार्मनी भी बोल देते हैं, तो हार्मनी। और ये आप देखोगे तो एकता से रिलेटेड, दोस्ती से रिलेटेड ये वर्ड बनता है, यूनिटी से रिलेटेड बनता है। ठीक है, तो यहां यूनिटी, एकता, दोस्ती से संबंधित वर्ड बनता है हार्मनी। और इसमें देखो लिखा है हॉस्टेलिटी, हॉस्टेलिटी जो लिखा है ना, हॉस्टेलिटी जो लिखा है वर्ड, उसका मतलब शत्रुता से होता है, दुश्मनी से होता है, तो ये इसका उल्टा ही तो है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो बन जाएगा ए, ए शुड बी द राइट आंसर। हार्मनी का मतलब एकता, दोस्ती से होता है, संबंधों से होता है, और हॉस्टेलिटी का मतलब दुश्मनी से होता है, तो ये बिल्कुल उसका अपोजिट हो गया, यही आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पहले में ही आंसर मिल गया। ठीक है ना, हमें टाइम भी बताना है ना, अगर आंसर मिल जाए तो अच्छी बात है, क्यों आगे पढ़े फिर हम। आगे देखो नेक्स्ट, हिज ब्रदर डैश हिज डैश एंड गेव हिम अ वॉच आफ्टर हिज रिजल्ट। ठीक है, तो अब बताना यह है कि हिज ब्रदर टुक हिज वर्ड एंड गेव, नो सेंस नहीं बनता, हिज ब्रदर ब्रोक हिज रिकॉर्ड एंड गेव हिम अ वॉच, नहीं ऐसा भी सेंस नहीं बनता, हिज ब्रदर लॉस्ट
his temper and gave him a watch. अरे भाई temper lost कर दिया तो watch क्यों देगा? गुस्सा आया तो lost थोड़ी watch थोड़ी देगा. His brother kept his promise. Very good. उसने अपने वादे को पूरा किया. His brother kept his promise and gave him a watch after his brother. बिल्कुल सही है. D होना चाहिए इसका. Suitable answer D है. Match कर गया बिल्कुल ये. क्योंकि हमें बताना ही क्या था, select the most appropriate ऑप्शन टू द कंप्लीट द गिवन सेंटेंस. दिए हुए सेंटेंस को पूरे अच्छे से सिस्टमैटिकली लिखना था, यही हमारा आंसर बन गया. इस तरह से आंसर बनाया जाता है. आगे देखते हैं फटाफट से. अब फिर से एक ट्राई करते हैं. क्या लिखा है आपके सामने? सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. एक्टिव फॉर्म बतानी है माय डियर स्टूडेंट्स आपको. एक्टिव फॉर्म, पैसिव नहीं बतानी है, एक्टिव बतानी है. ठीक है, तो इसका मतलब जो सेंटेंस है वो पैसिव में लिखा हुआ है. रूल को देख लो आप पहले ध्यान से. Was terrified. आप समझते हो गए past indefinite का passive है. Past indefinite second form से बनता है ना, तो जहां second form है वही answer है. पहले में had लगा है गलत हो जाएगा, दूसरा answer हो सकता है, तीसरे में has लगा है वो भी गलत हो जाएगा, first form लिखी है terrifies वो भी गलत हो गया. Answer सोचो ना, बन गया कितना आसानी से. अरे rule को देख लो ना, बाकी चीजें क्यों देखते हो इतना ज्यादा. Was terrified past indefinite का rule होता है, second form active की बनती है. Second form एक ही option में दिख रही है, B में. B ही इसका सही answer माना जाएगा. ठीक है, clear हो गया ना. देखो यहाँ terrified लिखा है, मतलब second form इसका answer बनना चाहिए. Okay. Next देखो, अब इसमें क्या लिखा है आपके सामने, इसको पढ़ते हैं पहले. इसमें लिखा हुआ आपके सामने है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इसमें से जो वन वर्ड बनता है वो बताना होगा आपको. तो एग्जिस्टिंग इन अ लैंड, जो लैंड में रहने वाले लोग हैं, फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम पुराने समय से, और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ, इसका सही एप्रोप्रिएट वर्ड क्या रहेगा. ठीक है, ध्यान से देखो. अब इसमें जो पढ़ेंगे ना, नेटिव, एंशियंट, ऑब एब ओरिजिनल, तो और ओरिजिनल, तो इसका आंसर होगा एब ओरिजिनल. क्योंकि दूर से बसे हुए लोगों को क्या बोल दिया जाता है, एब ओरिजिनल. बसे हुए लोगों को बोल दिया जाता है एब ओरिजिनल. तो इसका आंसर बनेगा सी. यानी इसका जो सुटेबल वर्ड, नेटिव नहीं बनता, एंशियंट नहीं बनता, ओरिजिनल नहीं बनता, तो एक ही ऑप्शन बचता है, वही आपका आंसर बन जाएगा. ठीक है, चलो फिर से एक बार देखते हैं. आपके सामने ये बुक लिखी हुई है, आप फिर बुक को देखो. इसमें ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स को कवर किया गया है. और अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, दिए गए लिंक में जो वीडियो के है, आप इस बुक को खरीद सकते हो और इससे बेनिफिट उठा सकते हो. ठीक है जी, आप ध्यान दो इसमें. आगे पढ़ो, आगे देखते हैं. सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. सेंटेंस में एक्टिव फॉर्म बतानी है और आप बताओ एक्टिव फॉर्म क्या होगी. तो पहले रूल देखना जरूरी है, इज लगा हुआ है और विजिटेड लिखा हुआ है. तो आप सब समझते होंगे इज और विजिटेड लिखा है, तो ये तो, और नॉट भी लिखा है. देखो ध्यान से, नॉट, यानी इससे एक बात पता चलती है कि इज नॉट जो है वो फर्स्ट फॉर्म का पैसिव होता है. लेकिन अगर मुझे फर्स्ट फॉर्म को कभी भी नॉट लगाना होगा तो फर्स्ट फॉर्म को नॉट लगाने के लिए मुझे डू और डज की मदद लेनी पड़ेगी. किसकी मदद लेनी पड़ेगी? डू और डज की. तो डू और डज में से भी कब लगाते हैं? अगर सिंगुलर होगा तो डज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे. तो यहां पे हाइकर्स में डू डज आना चाहिए. जहां जहां डू डज है वही आंसर बन सकता है. ये गलत हैव की वजह से, ये डिड की वजह से गलत, ये दोनों आंसर बनेंगे आपके. अब हाइकर्स डज होगा कि हाइकर्स डू होगा? तो बच्चे कह रहे सर हाइकर्स ज्यादा है, तो अगर ज्यादा है तो आप उसमें डू लगाएं. तो इसका आंसर क्या होगा? सी. सी आंसर क्यों होगा बच्चों? क्योंकि हाइकर्स इज अ प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल में डू आता है, डज नहीं आता, इसीलिए गलत है ऊपर बी वाला. तो हाइकर्स डू नॉट विजिट, आगे जो लिखा हुआ है, हिज ट्रेल फ्रिक्वेंटली. ठीक है, ये आंसर बनेगा. आगे देखो फटाफट से. अब आपसे स्पेलिंग पूछी गई है इनकरेक्टली, जो करेक्ट नहीं इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है वो बताना है आपको कि क्या क्या है. इसमें से बड़े ध्यान से सारी स्पेलिंग पढ़ते हैं और देखो इसमें से कौन सी स्पेलिंग आपको अच्छी लगती है, जो पढ़ने में सुटेबल नहीं लगती है, इनकरेक्टली है. देखो ध्यान से, एक बार ध्यान से सभी स्पेलिंग को पढ़ लो. एथलेट लिखा हुआ है, प्रैक्टिकली लिखा हुआ है,
बेनिफिटेड लिखा हुआ है, और ये थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा पढ़ने में, अंटार्कटिक का है ना, ए होना चाहिए ना इसके अंदर, अंटार्कटिका। अब ये सही लग रहा है अंटार्कटिका, तो मतलब इसकी ही स्पेलिंग गलत है, यानी डी इसकी स्पेलिंग गलत है, ए होना चाहिए तब बन जाता अंटार्कटिका। क्लियर हो गया ना, उसका स्पेलिंग में गलत था, यानी बाकी सब स्पेलिंग ठीक है, जो स्पेलिंग गलत है वो अंटार्कटिका की गलत है, ए होना चाहिए उसके अंदर। क्लियर ना, वेरी गुड। आगे देखो, अब इसमें असिस्ट सॉल्व इंटेंशन वॉज टू बेफल हिज रीडर्स, जो ऐसे लिखते हैं वो अपनी सोल और इंटेंशन से वॉज टू बेफल हिज रीडर्स, अपने रीडर्स को, जो ऐसे को लिखते हैं वो अपने रीडर्स को क्या कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं उनकी इंटेंशन से, उनकी सोल इंटेंशन से। मतलब क्योंकि राइटर जब भी कोई बुक लिखता है, कोई ऐसे लिखता है ना, तो बड़े उसमें थॉट होते हैं उसके, तो वो क्या करता है, रीडर्स को बैफल कर देता है। बैफल का मतलब क्या होता है, पजल कर देता है, कंफ्यूज कर देता है। तो इसका मीनिंग क्या बनता है, बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज कर देना, पजल कर देना। ठीक है, तो बैफल का जो मतलब है वो पजल है, और आपसे पूछा ही क्या गया था, देखो ध्यान से, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब सेम मीनिंग, तभी तो यहां पे बैफल का जो है वो क्या बन जाएगा, पजल। पजल बैफल काफी बार एग्जाम में आता है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिट, अब इसमें कॉमन एरर का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, ही ऑलवेज एम्ड हाईली इन लाइफ, तो या तो नो एरर बोलोगे आप, या इन लाइफ में एरर है, या एम्ड हाईली में है, या फिर ही ऑलवेज। तो आप सोचो ना, एम्ड हाईली नहीं होता है, एम्ड हाई होता है, एम्ड हाई, तो एम वर्ब है और उसकी एडवर्ब बनने के लिए हाई ही काफी है, हाई मतलब ऊंचा, तो यहां पे जो एडवर्ब बनेगी हाई बनेगी। तो एम्ड यानी सेंटेंस ये होना चाहिए था कि ही ऑलवेज एम्ड हाई इन लाइफ, हाई इन लाइफ, हाईली नहीं, हाई होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आगे देखो, आगे देखो, इसमें ये अंडरलाइन है, येलो बेलीज पूरा लिखा हुआ है, येलो बेलीज। ठीक है, आपको बताना ही इडियम है इस बार, अंडरलाइंड जो है वो इडियम है, यानी ये येलो बेलीज जो लिखा है वो एक इडियम है, और इसका मीनिंग बताना है आपको अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, कि व्हेन द वॉर ब्रेक्स आउट ऑल द वॉर मॉन्गरिंग सोशल मीडिया एक्टिविटीज बिकम येलो बेलीज, जब वॉर स्टार्ट होती है तो सब क्या हो जाते हैं। अच्छा, येलो बेलीज का मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है डरपोक, कायर, बुजदिल, कावर्ड। तो इसका मीनिंग अगर आपको देखना हो इसमें से, तो मुझे सबसे सुटेबल वर्ड क्या बनता है, कावर्ड्स। इसका मीनिंग क्या है, डरपोक, क्योंकि येलो बेली नहीं लिखा हुआ है, येलो बेलीज लिखा हुआ है, और कावर्ड का मीनिंग आप जानते होंगे, काफी बार मैं बोलता हूं कि कावर्ड का मतलब होता है एक डरपोक व्यक्ति, लेकिन यहां पे कावर्ड्स लिखा है, तो बहुत सारे डरपोक व्यक्ति, क्यों, क्योंकि यहां पे बेलीज लिखा हुआ है, येलो बेलीज को बोलते हैं डरपोक। एक आपको बड़ा अच्छा वर्ड मिला, येलो बेलीज का मतलब भी क्या होता है, जस्ट लाइक कावर्ड, कावर्ड इसका मीनिंग बनता है। ठीक है, आगे देखिए, अब क्लोज टेस्ट आपके सामने आ गया है, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चनों को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ध्यान से पढ़ लो पूरा पैसेज क्या लिखा हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली आंसर कीजिए, फिर मैं इसके सीधे आंसर बताता हूं आपको, सीधे आंसर बताऊंगा, आप बड़े ध्यान से, एक मिनट ले लो आप ध्यान से, एक मिनट का टाइम ले लो, मैं आपको सोचने का टाइम देता हूं, पहले बड़े पढ़ लो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है, पहले एक बार पढ़ना जरूरी है, कहां से पढ़ना है, इंडिया, यहां से, यहां से पढ़ना है, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। आगे आप पढ़ो ध्यान से, और आप बताओ, द इंडस्ट्री इज डैश रिकॉग्नाइज्ड एज टेक्निकली वेरी वेल, क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, आई होप पढ़ लिया होगा आपने, थोड़ा पॉज करके पढ़ना। अब क्वेश्चन देखो, हाँ, तो फर्स्ट में ही क्या लिखा है, देखो, ग्लोबली, ग्लोबली, तो यहां पे इंडस्ट्री इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, इतना मतलब ए आंसर बन गया, इसका आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं, आगे सेकंड वाले में पढ़ो, वेरी वेल डैश द इंडियन टीम इंडस्ट्री, क्या हो सकता है, देखो इसका मतलब बनेगा इक्विप्टेड, इसका आंसर डी बनेगा, इक्विप्टेड। फटाफट से आंसर करते रहेंगे मार्क, जैसे जैसे क्वेश्चन टर्न कर रहा हूं मैं। अब थर्ड पढ़िए, थर्ड में क्या लिखा हुआ, देखो, द इंडिया इंडियन टी इंडस्ट्री इज अ डैश वन ट्रेडिशनली, ऑप्शन देख लो आप, फ्लोरिशिंग, बिल्कुल फ्लोरिशिंग, इसका आंसर क्या होना चाहिए, फ्लोरिशिंग होना चाहिए, फ्लोरिशिंग, तो सी होगा इसका आंसर। आगे और नेक्स्ट पढ़िए, टी हैज बीन यूज्ड इन इंडिया फॉर डैश पर्पस,
किस पर्पज से इंडिया में टी को यूज किया जाता है, एज वेल एज एक और पर्पज, दो पर्पज, मतलब दो पर्पज कौन कौन से, देखो जरा ध्यान से फटाफट से। पहला मेडिसिनल होगा, ठीक है, इस पर्पज से। दूसरा और किस पर्पज से, कंजम्पशन, कंजम्पशन के पर्पज से भी इसको पिया जाता है। तो ये थे आपके आंसर्स, ठीक है। तो ये देखो फाइनली आंसर हमें मिल गए अपने, और अपने अपने स्कोर चेक कीजिए फटाफट से, मुझे बताइए कि कितना स्कोर आपने आज प्राप्त किया है। आउट ऑफ 50 आप अपने आप को कितना स्कोर देते हैं, बड़े ध्यान से सारे एक बार रीचेक करते रहो ऑप्शंस। मैं फटाफट से दिखा रहा हूं आपको, ये सारे ऑप्शंस आपके जो बनाने चाहिए थे मैंने बनाए हैं, आप देख लो फटाफट से। ठीक है, तो ये थे आंसर। आज की क्लास में कितना स्कोर आया जरूर बताएंगे आप मुझे। कुछ चीजें मैंने लॉजिकली समझाने की कोशिश की है, कुछ आपने खुद कोशिश की है। वोकैब से, सेंस से, ग्रामर से आपका पेपर सोल्व होता है, सब पे ध्यान देना चाहिए, कॉमन सेंस पे भी, वोकैब पे भी और ग्रामर पे भी। ठीक है, तो आज इतना करते हैं, फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टेस्ट के द्वारा। उसमें एक नया मॉडल टेस्ट पेपर होगा आपका, उसमें नया मॉक टेस्ट होगा, आप बड़े ध्यान से उसको सोल्व करना। ठीक है, टिल देन गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।